भारतीय रेल को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन करीब 40 करोड़ लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं। ट्रेनों में सफर करते वक्त हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक और सुखद हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोगों को शोर, टिकट चेकिंग या ट्रेनों में सीट को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर सफर के दौरान आपका मन नहीं है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। चलिए आपको बताते हैं क्या है रेलवे का नया नियम। दरअसल भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार अगर आप यात्रा के दौरान सो रहे हैं तो टीटीई भी आपको उठा नहीं सकते। लेकिन कोई पैसेंजर सुबह से ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो रात के 10 बजे के बाद टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मतलब टीटीई रात 10 बजे के बाद पैसेंजर को टिकट या आईडी दिखाने के लिए नहीं कह सकते। टीटीई को यह अधिकार है कि वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के मध्य ही पैसेंजर के टिकट की चेकिंग कर ले। जो यात्री सुबह से सफर कर रहे हैं उन्हें टीटीई नींद से जगा भी नहीं सकते, इसलिए क्योंकि टीटीई के पास सारे पैसेंजर्स की एक लिस्ट होती है। उसमें उन्हें पता होता है कि कौन सी सीट, कौन सी यात्रा कहां से कहां तक की है। मतलब सुबह सफर करने वाले पैसेंजर का टिकट सुबह ही चेक किया गया होगा। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई पैसेंजर रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो टीटीई को यह अधिकार है कि वो आपका टिकट और आईडी चेक कर सकता है। आपने देखा होगा कि सफर के दौरान अधिकतर वक्त कुछ ऐसे पैसेंजर होते हैं जो निचली बर्थ में सफर कर रहे होते हैं और रात के 10 बजे के बाद सोने की बात करते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ में आरक्षित यात्रियों को न सिर्फ उनके वेट में उठना पड़ता है बल्कि उनकी दया का भी इंतजार करना पड़ता है। रेलवे के नियम के अनुसार मिडिल बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी सीट खोल करके सो सकते हैं। उनके साथ ही सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले पैसेंजर्स को सीट खोलनी होती है, जबकि सुबह नीचे के यात्री अपनी सीट पर बैठकर अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा कर सकें। रेलवे में टू स्टॉप का रूल भी है, यानी कि अगर कोई भी पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा है और अपनी सीट पर नहीं पहुंचा है तो टीटीई आपकी सीट ट्रेन के अगले 2 स्टॉप या अगले 1 घंटे के लिए किसी अन्य पैसेंजर को आवंटित नहीं कर सकता है। उसका मतलब ये है कि अगर पैसेंजर आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं पहुंचता है तो टीटीई ये मान लेगा कि रिजर्व सीट के पैसेंजर ने ट्रेन नहीं पकड़ी है और तीसरे स्टॉप को पार करने के बाद टीटीई आपकी सीट दूसरे को आवंटित कर देगा। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे के द्वारा एक के बाद एक नए नियम जारी किए जा रहे हैं। यात्रियों की सहूलियत का ख्याल रखने के लिए एक के बाद एक तमाम तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं और इन्हीं फैसलों के आलोक में ये फैसला भी देख सकते हैं। इस फैसले के अनुसार अब रेलवे ने नया नियम जारी कर दिया है जिससे कि यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, खासतौर पर वैसे पैसेंजर्स को जो कि लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से सुबह हो जाती है, 24 घंटे से ऊपर की यात्रा कई लोग करते हैं, तो ऐसे में अब रात को सोने के वक्त आपको टीटी उठाकर आपसे टिकट नहीं मांग सकता है, क्योंकि अब ये अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि रेलवे ने कह दिया है और ये भी कह दिया है कि ऐसे किसी भी पैसेंजर्स को आप परेशान नहीं करेंगे जिनका टिकट एक बार चेक हो चुका है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।